टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम की। चर्चा होगी कि विद्यार्थी आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, परसों क्या करने वाले हैं, साथ में परीक्षा कब तक हो सकती है, क्योंकि आज के पेपर में जानकारी भी दी गई है पीसीएस को लेकर के जो नोटिस जारी हुई थी। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम सभी पोस्टपोन हो चुके हैं। कल नोटिस भी जारी हो गई है पीसीएस की और बीपीएससी के बारे में भी आपको पता चल गई है नई डेट। तो तैयारी करने के लिए भी थोड़ा सा समय मिल रहा है आप लोगों को और यहाँ पर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और अधिक स्ट्रांग कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्स चल रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2025 है उनके लिए भी यहाँ पर बैच है सेक्शन 3.0 के नाम से। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, जैसे हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर हैं, फैकल्टी है, क्लास नोट्स आपको मिलते हैं, उत्तर प्रदेश पर केंद्रित करंट अफेयर मिलता है, डेली प्रैक्टिस होता है, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट करवाई जाती है, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह भी यहाँ पर चलते रहते हैं। इसका जो प्राइस है वो बहुत कम इसमें कर दिया गया, ये ऑफर प्राइस है, मात्र 4,999 रुपये में आपकी तैयारी करवाई जाएगी। इसी तरीके से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर एक बैच है प्रथम 2.0 के नाम से, जिसकी फीस भी 4,999 रुपये। जो विद्यार्थी एक साथ आरओ एआरओ प्री और पीसीएस प्री की तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए सक्षम 2.0 के नाम से बैच है मात्र 1,999 रुपये में। और अगर केवल टेस्ट सीरीज में भाग लेना है तो उसके लिए भी अलग से बैच यहाँ पर चल रहा है टेस्ट सीरीज कॉम्बो के नाम से, जिसकी फीस 999 रुपये है। अच्छा, ये जितने भी बैचेस मैं आपको बता रहा हूँ इसमें अगर आप परचेज करते समय कोड लगा देंगे PSP500 तो आप लोगों को सभी बैचेस में 500 रुपये की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। 2024 जिसकी परीक्षा होने वाली है पीसीएस की, अगर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है मात्र 3,399 रुपये में। पीसीएस का एक रिकॉर्डेड बैच भी है 999 रुपये में अभिलिखित के नाम से। इसी तरीके से बीपीएससी के बहुत सारे बैच चल रहे हैं। 17वीं बीपीएससी का एक आक्रोश फास्ट ट्रैक बैच है, इंग्लिश मीडियम है, 1,599 रुपये में, यहाँ पर भी वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। 17वीं बीपीएससी का एक इंटीग्रेटेड बैच है प्रीलिम्स मेंस और निबंध पूरी तैयारी करवाई जाएगी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 3,999 रुपये। बाइलिंगुअल बैच है यहाँ पर एक एमसीक्यूज का केवल निर्णायक के नाम। ऊर्जा बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रीलिम्स का बीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए 1,599 रुपये में। ऐसे बहुत सारे बैचेज हैं जिसमें छूट दी गई है, एक निपुण बैच भी है और ये जितने भी बैचेज हैं इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं एक 71वीं बीपीएससी का भी बैच शुरू हो गया है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, जिसका नाम है प्रथम 2.0, तो जिसे आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं पीसीएस एग्जाम की। तो पीसीएस का जो एग्जाम है वो कल नोटिस जारी होगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दिसंबर में परीक्षा होगी, तो दिसंबर में परीक्षा होने जा रही है और मैंने ये कहा था कि 7 या 8 तारीख को आपकी परीक्षा हो सकती है, 7-8 तारीख को, लेकिन इसमें डेट नहीं बताई गई है। और यहाँ पर लिखा है कि उक्त परीक्षा आगामी दिसंबर माह के मध्य तक आयोजित किया जाना संभव है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई खास कंफ्यूजन नहीं है, दिसंबर में तो होने जा रही है, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। और रही बात जो डेट की, डेट आप 7 और 8 ही समझिए, ठीक है, इसमें भी आप कंफ्यूज मत होइए, चाहे जैसे लिख गया हो ये आप 7-8 ही मानिए। चलिए बात करते हैं विद्यार्थियों के विरोध की। तो विद्यार्थी तो इसका विरोध कर रहे हैं कि जो परीक्षा है वो एक ही दिन में होनी चाहिए, इसको लेकर के विद्यार्थियों कल मार्च भी किया था सड़क पर और सांकेतिक विरोध किया था। और आज विद्यार्थी एक अनोखा अभियान चला रहे हैं, 2-3 दिन से विद्यार्थी ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं और आज सभी विद्यार्थी जो चीफ सेक्रेटरी हैं मनोज कुमार सिंह उनको यहां पर कमेंट कर रहे हैं, मैंने भी देखिए यहां पर कमेंट किया है और आप लोग ट्विटर पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, Prabhas79 के नाम से ये आईडी आपको मिल जाएगी, ये Prabhas79 के नाम से। सीएम को भी आप लोग कर सकते हैं, सीएम की जो भी पोस्ट इस समय आ रही है, वो जो यूपी के सीएम है वो पोस्ट बहुत करते हैं, हर चीज़ अपडेट करते रहते हैं, ये अच्छी बात है, लोगों को पता चल जाता है ऑथेंटिक रूप से सरकार के बारे में, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और उनकी जो भी पोस्ट आ रही है तो जो छात्र हैं वो वहाँ पर कमेंट का अभियान चला रहे हैं और कमेंट में यहाँ पर ये हैशटैग भी लिखना है, देखिए UPPSC RO ARO 1 shift, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मुझे फॉलो करेंगे तो आप वहाँ पर आपको कॉपी भी मिल जाएगी, आप कॉपी भी कर सकते हैं। ऐसा केवल मैं नहीं कर रहा हूँ, छात्र आज सुबह से लगातार कर रही है, देखिए बहुत सारे छात्र, एक और छात्र है रमनदीप, उन्होंने भी ये यहाँ पर ये कमेंट किया है आरओ यारो जो का जो एग्जाम है वो एक ही सिस्टम करवाया जाए। एक और छात्र हैं अभय, लगातार जो लोग हैं मुख्यमंत्री की जो पोस्ट हो रही है, मतलब ये अनोखा एक अभियान है, और नहीं तो इसके पहले विद्यार्थी सीधे सीधे ट्वीट कर रहे थे और सीएम पीएम मीडिया को टैग कर रहे थे, लेकिन आज का जो अभियान है उसमें सीएम की पोस्ट पर कमेंट, चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पर कमेंट और जो अन्य उच्चाधिकारी हैं उनकी पोस्ट पर विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं। आप देखेंगे उनकी पोस्ट पर तो लगातार परीक्षा को लेकर के विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, ये देखिए 8 दिसंबर को ये अभिषेक पांडे हैं और एक ये क्या लिखा है दार्शिक पांडे, इन्होंने एक ही नारा, एक ही मांग, एक ही शिफ्ट में हो एग्जाम, निपुण जायसवाल, बहुत सारे लोग जो हैं आज धनाधन जो ये पोस्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये पत्र भी दिखा रहे हैं कि ये जो ज्ञापन दिया गया था लोक सेवा आयोग में। तो जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को शेयर भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश भी कर लें। देखिए समय बहुत कम है, कल मीटिंग होने वाली है, पेपर में आपने पढ़ा ही होगा
कि जो मुख्य सचिव है वो परीक्षा को लेकर के मीटिंग करेंगे, किस तरीके से क्या होगी। हो सकता है मीटिंग के पहले आपकी मेहनत का कुछ सार्थक परिणाम निकल करके आ जाए। कौशल जी का भी यहाँ पर ट्वीट आ गया है, इसे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। माननीय जी, युवाओं के साथ अन्याय मंजूर नहीं, पूर्व की भांति एक ही सिस्टम में परीक्षा कराया जाए। फरहान गांधी ने भी ट्वीट किया है। तो ये जो ट्विटर का जो अभियान है वो आज भी जारी है। ये देखिए सीएम की एक अभी पोस्ट आई है, सोनीलाल पटेल की पुण्य जयंती पर मिलने श्रद्धांजलि, उस पर भी विद्यार्थी देखिए लगातार यहाँ पर ये ट्वीट कर रहे हैं। और ये पत्र भी विद्यार्थियों ने लगाया है कि इससे क्या दिक्कतें होंगी और ये जो परीक्षा है वो एक ही दिन में हो। और ये कल का है, कल विद्यार्थियों ने ये स्पीड पोस्ट किया था, ये जिसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि स्पीड पोस्ट में विद्यार्थियों ने किसको किसको भेजा था। जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको भेजा था, सीएम को भेजा था, ये देखिए लिखा भी है, अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्य सचिव को भेजा विद्यार्थियों ने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को भेजा है, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग को भेजा है, अखिलेश यादव को भेजा है, अमित शाह को भेजा है, मुख्यमंत्री को भेजा है और लोक सेवा मुख्य सचिव, तो इतने सारे लोगों को विद्यार्थियों ने ये पोस्टर का अभियान भी चलाया। तो फिलहाल जो आज चल रहा है उस पर आप लोग आज भाग लें। वैसे ये देखिए अभी तक 19,000 से ज्यादा पोस्ट हो चुकी है यूपीपीसीएस आरओ एआरओ 1 शिफ्ट को लेकर के। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि लोक सेवा आयोग अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दिया है 2 दिन में परीक्षा कराने को लेकर के, पूरी तरीके से 7 और 8 तारीख को परीक्षा कराने की तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल आज आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।